हाल ही में पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बाद नेपाल से भारत के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। खबर के अनुसार नेपाल की ओली सरकार भारत और चीन के साथ सटती अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए एक अलग सुरक्षा एजेंसी बनाने पर विचार कर रही है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने रविवार को ये जानकारी दी है। बता दें कि पहाड़ी देश नेपाल की सीमाएं दो देशों से लगती हैं। नेपाल तीन तरफ से भारत और तिब्बत की तरफ से चीन से घिरा हुआ है। नेपाल में जब तक राजवंश की सत्ता थी, नेपाल के भारत से काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ दिन पहले नेपाल में माओवादी सरकार की स्थापना हुई है, जिसका झुकाव चीन की ओर है। फिलहाल अभी तक नेपाल के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी के लिए अलग से कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है। भारत के साथ नेपाल की करीब 17,000 किलोमीटर लंबी खुली सीमा लगती है, जिसे बगैर रोक टोक पार किया जा सकता है। इन रास्तों से पाकिस्तानी ISI एजेंट भारत में घुसपैठ करते रहे हैं। नेपाल इन सीमाओं की निगरानी के लिए अब सुरक्षा एजेंसी के गठन पर विचार कर रहा है। नेपाली गृह मंत्रालय के मुताबिक नेपाल निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग भी कर सकता है। खबर के अनुसार नेपाल की चिंता ये है कि भारत ने हर किलोमीटर पर एक सैन्य चौकी स्थापित की है, जबकि नेपाल ने 25 किलोमीटर पर एक चौकी बनाई है।